हम कॉज ऑफ मोशन जानना चाहते हैं, जैसे कि हमने अभी तक देखा कि काइनेमेटिक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, और बेसिक से कहूंगा तो काइनेमेटिक्स नाम का चैप्टर नहीं बल्कि हम मोशन की बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हम मोशन की बात कर रहे थे कि मोशन जब होता है तो क्या क्या पैरामीटर्स बदलते हैं, क्या उन पैरामीटर्स का थ्रू आउट द मोशन वेरिएशन एक जैसा होता है या अलग अलग होता है ना। लेकिन इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि मोशन का कॉज कौन है। ठीक है, क्लियर है? इज माई वॉइस ऑडिबल एंड क्लियर टू एवरी वन? ओके, एक सेकेंड। इट इज नाउ मोर क्लियर। ठीक, अब आप लोगों को करना क्या है, कॉपी में जितना भी हमारा हुआ है उसके बाद 5 पेजेस छोड़ दीजिए। क्या कीजिए आप लोग, 5 पेजेस छोड़ दीजिए, जस्ट लीव 5 पेजेस, 5 पेजेस छोड़ दीजिए। और मैं 5 पेजेस क्यों छुड़वा रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो रिलेटिव मोशन की और मोशन की बातों की। इसके बाद में कुछ कंक्लूजन नोट्स लिखवाऊंगा काइनेमेटिक्स के, तो उसके लिए मुझे, मैं जब भी लिखवा सकता हूँ जब हर बच्चे को पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अगर रिलेटिव तक प्रैक्टिस कर लोगे टेस्ट के पहले तो हम लोग उसको लिख लेंगे। और बहुत समझदारी वाली बातें हैं जो जब भी समझ में आएंगी, जब आप लोगों ने एक एक बार पूरा पढ़ लिया होगा। तो आप में से कुछ बच्चे पूरा कर चुके होंगे, कुछ का बाकी होगा। तो लेट्स टेक द टाइम ऑफ 3 to 4 days। टेस्ट होने के पहले मैं आधे 1 घंटे की क्लास या तो एक्स्ट्रा लूंगा या इसी क्लास में लिखवा दूंगा। कुछ कंक्लूसिव पॉइंट्स हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ काम की बातें हैं या कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल कैटेगरी जो कि मुझे बतानी है। अभी मैं बताऊंगा तो वो समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आधे बच्चों का प्रैक्टिस है, आधे बच्चों का प्रैक्टिस नहीं है। तो हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं 3 4 दिन का, जब तक आप लोग सब कुछ प्रैक्टिस कर लो। फिर मैं आपके टेस्ट होने के पहले या तो आधे घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा या फिर ऐसे ही समझा दूंगा मैं। चलिए, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, हेडिंग डालिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। स्टार्ट करें। चलिए, तो मुझे पहला टर्म पूछना है आप लोगों से, अब वो बताइएगा जरा सभी लोग। फोर्स क्या होता है? What exactly the term force means? Force किसे बोलते हैं हम? अच्छा, चलिए, कुछ लोग आप में से ठीक बोल रहे हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं। इन स्टेट। अच्छा, गलत
देखो, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, अगर हम उन बातों को ध्यान रखते हुए काम करें तो फोर्स इज द एक्शन ऑफ पुश और पुल, इट इज सिंपली द एक्शन ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस द विच चेंजेस दी और विच कॉज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है? फोर्स क्या करता है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस दी विच फोर्स इज दी पुल और पुश विच कॉजेज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब ये चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये हुआ, द चेंज इन वेलोसिटी कैन बी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन और इन टर्म्स ऑफ बोथ। अब देखो, मैग्नीट्यूड में होगा, इसका मतलब कोई बॉडी चल रही है तो उसको तेजी से चलाने में, कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको आगे बढ़ाने में। डायरेक्शन में होगा तो कोई बॉडी चल रही है और उसका डायरेक्शन चेंज करने में। इसीलिए कंबाइनली लिखा जाता है, फोर्स इज दी पुश और पुल विच टेंड्स टू चेंज दी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ज्यादा क्लियर है? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, और डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। क्लियर सभी को? लिखो इतना फटाफट, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, मुझे इनसाइड बातें और बतानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शब्द यूज किया, चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सिलरेशन विच कॉजेस चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है ये बात? तो बेसिकली फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सिलरेशन एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरेशन गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। तो फोर्स का अल्टीमेट काम क्या होता है? फोर्स गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन रास्ता सीधा नहीं होता। किसकी मदद से होता है चेंज इन वेलोसिटी? एक्सेलरेशन। रास्ता सीधा नहीं होता। फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन विद गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। किसी भी बॉडी पर पुश और पुल होने के बाद क्या क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है? ये चार चीजें हैं जो ऑब्जर्व की जा सकती हैं। और ये एक साथ हो ऐसा जरूरी नहीं, ये एक साथ भी हो सकती हैं और एक साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि एक कार का टकराना, ये एक वॉल है, एक कार टकरा जाए दीवार से तो इसमें फोर्स भी लग रहा है, फोर्स के साथ साथ शेप भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी जीरो हो रही है, डिक्रीज इन वेलोसिटी भी हो रहा है। क्लियर? अच्छा, फोर्स क्या होता है? इट इज सिंपली अ टेंडेंसी ऑफ पुश और पुल। वो पुश और पुल के आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे? वो पुश और पुल के इफेक्ट्स ये थे कि वो वेलोसिटी में चेंज कर रहे थे, डायरेक्शन में चेंज कर रहे थे, मोशन का प्रेजेंट स्टेट चेंज कर रहे थे, शेप चेंज कर रहे थे बॉडी का। ठीक है?
पहले करके बताओ देवेश, मतलब खुद भी पूछ रहे हो पागल सर की बात। थोड़ा बिना पुश और पुल करे तुम किसी भी चीज का स्टेट चेंज करके बताओ जरा। ठीक है, अब हम फोर्स को क्लासिफाई कैसे करें? मैं पहले चार जो इम्पोर्टेंट फोर्सेस हैं, तीन चार, वो बता देता हूँ मैं, उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखते रहेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला फोर्स है हमारे सामने वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इट चार जो फंडामेंटली इम्पोर्टेंट फोर्सेस हैं, तो जो सबसे पहला कौन सा है? फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस इसमें सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है तुमने कभी पढ़ा है क्या? अभी होगा क्या? अच्छा चलो मुझे बताओ पहले, थोड़ा सा जवाब दो जब तक कुछ लोग लिख रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एक क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है? क्या सिर्फ अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है? किसी भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यूनिवर्सल है ये। क्लियर हुई बात? शब्दों को समझना है बहुत काम की बात है, इसलिए मैंने तुम्हें चुप चुप रहने को कहा है कि थोड़ी देर चुप रहो और सुनो मेरी बातों को। ऐसा फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडी, विच इज एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, उसमें एक अर्थ और हम भी हैं। उसमें एक अर्थ और हमारा सिस्टम भी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैठे हो और तुम्हारे सामने तुम्हारा मोबाइल रखा हुआ है। ये भी दो बॉडीज हैं, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस है। सो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड वीकेस्ट फोर्स। सबसे वीकेस्ट फोर्स अगर कोई है तो वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हुई बात? अब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अपन ग्रेविटी के संसार में डूब जाएं, अर्थ की ग्रेविटी के बारे में काम करने लगे। अभी अपन उनके नामकरण पढ़ रहे हैं, है ना? इतनी क्लियर हो रही बात? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। आप कभी नहीं सुनोगे ग्रेविटेशनल फोर्स फिजिकल था, अपोजिट इन मतलब रिपल्सिव इन नेचर था। अच्छा, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, अच्छा, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। दूर तक भी लगता है, दूर दूर में भी काम करता है। हालांकि वीक है लेकिन इसके इफेक्ट देखे जाते हैं, इसके इफेक्ट नेग्लिजिबल नहीं होते दूरी के। क्लियर हुई क्या बात? लिखो इतना सभी लोग। इसका स्टेटमेंट, इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, और माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। F वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मीन्स दोनों बॉडी को फिजिकली कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है, बिना फिजिकली कॉन्टैक्ट में आए भी ये फोर्स एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। हाँ मैं बताता हूँ, लॉन्ग रेंज फोर्सेस, दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस।
हाँ माइनस जी इट इज बिकॉज अट्रैक्टिव इन नेचर. सी आता है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्स, एक और फंडामेंटल फोर्स आता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का मतलब होता है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का मतलब होता है फिजिकली दो चीजों को कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है. जैसे कि तुम्हें मेरी बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है तो एक तरीका तो क्या है कि तुम मेरी बॉडी को हाथ लगाओ और हाथ लगा करके पता कर लो कि हाँ यार टेम्परेचर राइज हो रहा है, या थर्मामीटर मेरी बॉडी को टच कर दोगे. सो दैट इज द कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ मेथड टेस्टिंग हो गई. लेकिन अभी हमने क्या देखा कि अगर नॉन कॉन्टैक्ट चेक करना हो तो आजकल इंफ्रारेड गन्स आ गई है जिसमें कि आपको आदमी को दूर से ही देख करके पता करना पड़ता है. पूजा मैं अभी नहीं बता पाऊंगा बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, अपन उसको डिराइव भी करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए. है ना, तो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट इज क्लियर. अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्ज बिटवीन दी पार्टिकल्स या चार्ज बिटवीन दी टू बॉडीज के कारण हो रहे हैं. लिखिए जरा सभी लोग, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ओवर दी अनदर बाय वर्चू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. फोर्स experienced by one body over another by virtue of electric charge. By virtue of electric charge is known as electromagnetic forces. क्या कहलाते हैं ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो आप लोगों ने खुद ने पढ़ रखा है अट्रैक्शन. मतलब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, पहले तो हम इसके एग्जांपल की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ये सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जैसे कि हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव इन नेचर. रिपल्सिव इन नेचर कैसे होते हैं, अच्छा अभी जो ये दो नाम है नॉर्मल रिएक्शन और ये टेंशन, ये समय के साथ ही समझ में आएंगे, इन पे हमको पूरी 11वीं में पीएचडी करनी है, तो अभी मैं धीरे धीरे ही समझा पाऊंगा. Friction is also the example of electromagnetic force. Friction. Clear है? हिंदी में बोलते हैं इसके कारण. Clear हुई थी बात? तो electromagnetic forces क्या होते हैं, जहां कहीं भी दो bodies के बीच में repulsion या attraction दिख रहा है and वो repulsion और attraction हो रहा है because of electric charges, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. दे आर कॉन्टैक्ट टाइप एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, दोनों हो सकते हैं ये बेसिकली. हाँ दोनों बोल सकते हो आप, कॉन्टैक्ट टाइप भी होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट टाइप भी होते हैं. क्लियर हुआ, लिखिए इतना लिखिए. जो थर्ड टाइप का फोर्स आता है ना, हाँ बिल्कुल सुनिए, जो थर्ड टाइप का फोर्स आता है ना वो आता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स. तुम लोग जानते हो क्या न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर. स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर ये कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स. इट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जो कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को टुगेदर बाइंड करके रखता है. क्लियर है, अब इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, फ्यूजन और फिजन पढ़ा होगा तुमने,
तुम लोगों को अगर पता हो तो फ्यूजन और फिजन दो ऐसे फोर्सेस हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण, दो ऐसी प्रोसेसेस हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में की जाती है जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। मतलब इट इज वन ऑफ दी, अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन है, ये न्यूक्लियर फोर्स वोर्स ये सब तो तुम लोगों ने सुने ही होंगे। हाँ बिल्कुल, यूरेनियम वाला, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। क्लियर हुआ? चलिए लिखें। जितना स्क्रीन पे लिख लो, जो क्लास इलेवेंथ का सिलेबस है ना वो इन चीजों पर डिपेंड करेगा। क्लास इलेवेंथ में आप पूरा इसके बारे में सब कुछ पढ़ोगे, ग्रेविटेशन, और इसके अलावा ये कहीं भी नहीं आता है ग्रेविटेशन, मतलब 12th में भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जो कुछ भी क्लास इलेवेंथ में पढ़ोगे ना वो ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ोगे, और क्लास 12th में आपको दोनों पढ़ाए जाते हैं, न्यूक्लियर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी और बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पूरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पूरा। हाँ बिल्कुल, समय सही कह रही। ये आपका क्लास 12th का सिलेबस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और न्यूक्लियर फोर्सेस और ग्रेविटेशन है क्लास 11th का सिलेबस। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर विच इज बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स का तुम्हें मतलब अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती क्या? कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ कि दोनों का फिजिकली कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अब अगर किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगना है, अगर किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगना है तो जरूरी थोड़ी है कि दे आर मतलब दोनों बॉडी को फिजिकली एक दूसरे के साथ टच होना चाहिए आकर के। दूर दूर से भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब हम सन के आसपास गोल घूम रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सन। तो क्या अर्थ फिजिकली कॉन्टेक्ट में आ रहा है क्या सन के? बहुत दूर है ना अर्थ उससे। क्लियर हुई बात? तुम लोगों ने पढ़ा होगा NaCl कंपाउंड, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। Na पॉजिटिव मतलब इट हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ज्यादा है यहाँ पर, और Cl नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है यहाँ पे। दोनों पे अगर अब मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना बोलूं और चार्जेस के टर्म में बात करूं, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, प्लस वन माइनस वन। दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं जस्ट कि अपनी चार्जेस को स्टेबल कर सके। क्लियर हुई ना बात? दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन देम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि ने बाइंड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे कितने फोर्स से एक दूसरे को बाइंड करके रखा हुआ है, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो कक्षा 10वीं में पढ़े हो के इज इक्वल्स टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, सॉरी के इनटू एफ। क्लियर है बात? चलिए अब इससे और आगे चलते हैं। तो इन फोर्सेस को क्लासिफाई कैसे करें? फोर्सेस को दो तरीके से हम तीन ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक कॉन्टैक्ट ले लो, नॉन कॉन्टैक्ट ले लो एक। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। कॉन्टैक्ट फोर्स का, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब ये हुआ कि दो बॉडीज को फिजिकली कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या
क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। कॉन्टैक्ट में आने वाले कौन से होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आता है नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, हम फ्रिक्शन को भी यहीं ले लेते हैं, दो पार्ट में ही पढ़ लेंगे बेटर है। फ्रिक्शन क्या क्या पढ़ेंगे हम? कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और फ्रिक्शन। क्लियर हुई बात? हाँ प्रांजी। तो अपना जो 11वीं का सिलेबस है ना, वो इन तीन और एक ही चार चीजों पर घूमेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और फ्रिक्शन। क्लियर हुई सभी को ये बात? अच्छे से ये ड्रॉ करो और लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। एक सेकंड होल्ड करो। डन एवरीवन। चलिए, तो इन शॉर्ट हमने क्या देख लिया, क्या क्या फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस को कैसे पढ़ना चाहिए। चलिए, तो मैं अभी ना कुछ, अब देखो यहाँ से चैप्टर को थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ेंगे। चैप्टर को डिवाइड कैसे करेंगे यहाँ पे? चैप्टर डिवाइड ऐसे होगा कि अभी मैं ये नॉर्मल टेंशन सिर्फ नाम समझा रहा हूँ, उसके बाद वही जो पहले हम पढ़ते थे बुकेज लैंग्वेज में, जैसे पढ़ते थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ एनएलएम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिर वो सारे लॉस समझा के हम न्यूमेरिकल पे उतर गए। क्लियर है क्या? या पहले फर्स्ट लॉ पढ़ लें, इनर्शिया विनर्शिया जान लें, फिर इनके बारे में, तुम लोग जैसा कहो, मतलब मैं दोनों वे में पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Am I clearly audible to everyone? आवाज आ रही है ना मेरी? चलिए, तो पहले लिख लीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें पहली हेडिंग डालिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Newton's first law of motion. Newton's
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता था तुम्हें, क्या जानकारी देता था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तुम क्या समझते हो। इनर्शियल लॉ था, लिखिए द लॉ स्टेट्स दैट अ सिस्टम विल रिमेन A system will remain in the present state of rest or uniform motion present state of rest or uniform motion until and unless any external force is applied on it. Until and unless any external force is applied on it. Here, it means if a body at rest remains at rest, if a body is in motion, remains in motion. कब तक हो सकता है ये, अनलेस, अगर इस स्टेट को चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर लगाना पड़ेगा। क्लियर हुई क्या इसकी बात। देखिए पहले इतना लिख लो, पहले ये तो लिख लो बेटा, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो अपनी प्रेजेंट स्टेट को कंटिन्यू करता रहेगा। प्रेजेंट स्टेट में चेंज जब ही पॉसिबल है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। अब ये एक्सटर्नल फोर्स का कोई मुझे मतलब बता सकता है क्या, इसको हम थोड़ा सा नहीं इसको, हाँ मतलब एक्सटर्नल फोर्स का मतलब समझेंगे हम। देखो ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, अब यहाँ पे एक आदमी बैठा है, ये एक आदमी बैठा हुआ है, ये दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, इनके बीच में एक फोर्स डेवलप हो रहा है, क्या इस मोशन से गाड़ी चल सकती है।
एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये होता है कि जब बॉडी पर बॉडी इस स्टेट में, मान लो बॉडी रेस्ट पे, जब तुम ऐसा बोलते हो बॉडी इज एट रेस्ट, जैसे तुम्हारे सामने तुम्हारे कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्क्रीन रखी है, बॉडी एट रेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? तुमने आज तक क्या समझा है इसका मतलब? बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या समझा है? ऐसी सिचुएशन जिसमें कि कोई मोशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा हो। बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ? मोशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा हो, ये तुमने देखा है, कोई मोशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा हो। लेकिन आज से एक टेक्निकल वर्ड और यूज कर सकते हो इसके लिए, जो तुम अच्छे से जानते हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, बॉडी एट रेस्ट जब भी रह सकती है, कि ये कार है, इसे 10 लोग आगे की तरफ खींच रहे हैं एफ फोर्स लगा के, और 10 लोग पीछे की तरफ खींच रहे हैं एफ फोर्स लगा के, तब भी तो ये कार नहीं चलती हुई दिखेगी ना। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी सिचुएशन जब टोटल फोर्स, सारे फोर्स का एडिशन, तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो सारे फोर्स का वेक्टर एडिशन जब 0 हो जाए, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट। तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा अनबैलेंस फोर्स लगाया जाए जो कि मोशन को कॉज करा दे। अगर मान लो ये अभी ऐसी, ये वाला डायग्राम देखो सभी लोग, ये जो बॉडी एट रेस्ट वाला डायग्राम है ना, ये देखो नीचे वाला, 10 लोग इधर हैं, 10 लोग इधर हैं, बॉडी बिल्कुल बढ़िया तरीके से रुकी हुई है। अब अचानक से मान लो कि कोई एकदम बढ़िया रेसलर आ जाए और वो इधर की तरफ 30 30 न्यूटन से खींच ले, सो ही विल बिहेव एज अ एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि उसने आकर के बॉडी के प्रेजेंट स्टेट को चेंज कर दिया। मान लो ये लोग लड़ रहे थे और ये कार चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, अचानक से एक स्कूटर वाला आ जाए और स्कूटर वाला आकर के यहाँ पे टक्कर मार दे, तो इनका सिस्टम तो इंटरनली पूरा बैलेंस था, गाड़ी 20 से चल रही थी। लेकिन या कोई स्कूटर वाला भी छोड़ो, स्कूटर भी तभी तो मोमेंटम आ जाएगा, रेनबो, मान लो इम्पल्स आ जाएगा, अगर मान लो किसी ने धक्का दे दिया, कोई यहाँ पे पीछे से पुश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये है जो कि इसके प्रेजेंट स्टेट को चेंज कर रहा है, तो दैट पिंक मैन विल बिहेव एज एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर हुई बात? हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, रेस्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं अभी मतलब ऐसे वर्ड कुछ, मैं कोई भी टेक्निकल वर्ड आपके आगे यूज नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि इस सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, लेकिन मैं अभी कुछ भी ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं धीरे धीरे इन बातों को कहूंगा, कहीं कहीं आप लोगों ने कुछ कुछ सुना हुआ है, फिर वो आधा अधूरा ही सुना हुआ है, तो अभी हम सिर्फ, मैं समझाने के लिए नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे फिर मैं बताऊंगा कि इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। हाँ समझ, बिल्कुल क्लियर है, तो इस बात को लिखो एकता। हाँ एग्जाम्पल बना लो, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें क्या कहा? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें कहा कि जो चीज जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। अगर आपको वाकई में अपना प्रेजेंट स्टेट चेंज करना है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस कराना होगा अपने ऊपर। आप रुके हो तो चलने के लिए कोई फोर्स चाहिएगा आपको, जब आप चल रहे हो तो रुकने के लिए कोई फोर्स चाहिएगा आपको, ठीक है? तो बेसिकली लिखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन्स इनर्शिया और लॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज दी अपोजिशन। इनर्शिया वर्ड का मीनिंग कोई मुझे बता सकता है क्या? इनर्शिया वर्ड का कोई मीनिंग बता सकता है क्या मुझे? दैट इज टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ
ऑफ मोशन N1 Nm क्लियरली डिफाइंस इनर्शिया इनर्शिया क्या होता है टेंडेंसी नॉट टू चेंज एनीथिंग और टेंडेंसी टू अपोज चेंज टेंडेंसी टू अपोज चेंज बहुत क्लियरली कहूं ना मतलब जो मैं अभी तक पढ़ाते आ रहा हूं और जो मैं देखता हूं इट इज द रेजिस्टेंस टू मोशन और लीनियर चेंजेस रेजिस्टेंस टू मोशन और लीनियर चेंज क्लियर है बात सभी को लेकिन सर हम पता कैसे करें कि इनर्शिया क्या होता है मतलब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि कोई कोई चीज का टेंडेंसी है मान लो जैसे 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 2 बच्चों की टेंडेंसी है कि अब क्या करना है सीख के जीवन में कोई मतलब ही नहीं है 2 बच्चों की टेंडेंसी है कि वो बहुत शार्पली सुन के सीख लेते हैं हालांकि सीख लेते हैं वाली बात को हटा दें तो जो बच्चे जैसे कि हम जैसे हैं अगर हम वैसे ही रहना चाहते हैं तो दैट इज आवर टेंडेंसी टू अपोज चेंज ठीक है अब इनर्शिया के तुमने बहुत एग्जांपल पढ़े हुए बस में खड़े हैं तो ब्रेक लगते हैं तुम्हें वो सब नहीं सिखा रहा वो तुम्हें आते हैं मैं तो बहुत बेसिक बेसिक बातों में बात कर रहा हूँ कि इनर्शिया क्या होता है तो इनर्शिया तुमने बताया इट इज द टेंडेंसी टू अपोज चेंज तो कैसे फील करें हम कि सामने स्क्रीन पर बैठे हुए आदमी का इनर्शिया ज्यादा है और मेरा इनर्शिया कम है ये मैं कैसे बताऊं सोचो देखो मैं तुम्हें इनर्शिया के एग्जांपल नहीं दे रहा वो कक्षा 9वीं में तुम सीख कर आए हो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कैसे पता करें कि सामने बैठे हुए आदमी का इनर्शिया ज्यादा है और मेरा इनर्शिया तो कम है मेरा इनर्शिया ज्यादा है सामने वाले का कम है कैसे पता करें थोड़ा सोचो न्यूटन्स ने क्या कहा अगर मैं सब चीजों को अब मिलाऊं मैं सारी चीजों को अब मिलाऊं मैं सारी चीजों को अब मिलाऊं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरी बात को सुनो यार जब मैं सारी चीजों को कनेक्ट करूं तो मैं बोल सकता हूं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज दी लॉज ऑफ इनर्शिया क्या कह सकता हूं मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज दी लॉज ऑफ इनर्शिया और अपने प्रेजेंट इनर्शिया को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ N1 Lm न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया और अपने प्रेजेंट स्टेट को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है और फोर्स वो वस्तु होती है फोर्स क्या होता है यार अभी तो पढ़ के आ रहे थे बोलो ना यार तुम लोग तुमने ही तो कहा था फोर्स जो होता है वो पुश और पुल एक्शन होता है अभी तो पढ़ के आ रहे थे और किसी चीज का पुश और पुल किस बात पे निर्भर करता है उसके मास पर बोलो ना यार ये एक बच्चे का कार्ट होता है ना कार्ट वो है यहाँ पर छोटे बच्चे का कोई टॉय ले लो यहाँ पर ठीक है और एक घर के बाहर तुम्हारे ट्रैक्टर खड़ा है किसको आसान है मूव कराना तुम्हारे लिए अपने हाथों से अपनी भुजाओं से किसको मूव करा सकते हो तुम बोलो यार ट्रैक्टर को है बाहुबली थोड़ी हो तुम टॉय का बोलो यार क्यों करा सकते हो बिना तुमने मास के पूछे देखो जवाब दे दिया तुमने मास की बिना जानकारी ये जवाब दे दिया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पता है इसका मास जो होगा ना वो बहुत कम होगा इसके मास से इट सिंपली मींस हैवियर द मास हैवियर द इनर्शिया
जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा कठिन होगा मोशन का स्टेट या रेस्ट के स्टेट को चेंज करने में या डायरेक्शन को चेंज करने में, बोलो। और जितना कम मास होगा वो उतनी जल्दी घूम जाएगा। अरे हाँ ना, तो बोल दो, फील कराऊं क्या? एक बार और फील कराऊं क्या? एक और एग्जांपल आ गया मेरे दिमाग में, फील कराऊं क्या? बोलो जल्दी, बोलो हाँ ना बोलो। अच्छा, तुमने धागे में पत्थर बांध के घुमाया है? सबने घुमाया है अपने जीवन में, धागा लिया होगा उसे पत्थर बांधा होगा। हाँ, अचानक से मान लो पत्थर की जगह पर कोई बहुत बड़ा बोरी रख दे 5 किलो की और बोले अब घुमाओ। एक बहुत बड़ा ऐसा बैग रख दे, सैक जिसको बोलते हैं हम, 5-10 किलो का एक बैग रख दे, धागे से बांध दे या रस्सी से बांध दे और बोले घुमाओ बेटा। इट इज नॉट, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% पॉसिबल नहीं, इट इज पॉसिबल बट इट इज टफ। और पत्थर घुमाना इज मोर इजी, क्यों? वहां पे आपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, तो हर बार डायरेक्शन बदल रहे हो, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ऐसा डायरेक्शन बदल रहे हो, है ना? तो हर बार घुमाते टाइम जो डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है आपका, तो दैट चेंज ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हो ना, उसके लिए भी फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। आपके हाथ देते हैं, आपके हाथों में ताकत लगती है ना तो घुमाने में, दैट इज प्रोवाइडेड बाय योर हैंड्स। तो मास कम था तो आसान था, मास ज्यादा था तो आसान नहीं था। तो बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन्स इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड इनर्शिया सेज इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, हैवियर द मास मोर द इनर्शिया, लेस द मास लेस द इनर्शिया। दिस पिक्चर इज क्लियर टू एवरीवन? जो समझ में आया इस स्क्रीन पे से कॉपी करो और लिखो फटाफट जल्दी। अब मैं हर चीज नहीं लिखूंगा, ऐसे समझो जिनको इनर्शिया में प्रॉब्लम आई वो ऐसे समझो कि ये एक छोटा बैग रखा है, एक बड़ा बैग रखा। तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली बुद्धि चल जाएगी ना कि ये तो बहुत आसान है, छोटे फोर्स में काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा फोर्स लगेगा मुझे। तो ये बुद्धि आई कैसे? मास। हैवियर द मास हैवियर द इनर्शिया, लार्ज वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड। तो वो भी तो यही कह रहा था कि अगर आपको इनर्शिया, किसी बॉडी का प्रेजेंट इनर्शिया को चेंज करना है, प्रेजेंट स्टेट को चेंज करना है, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब वो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा क्वांटिटी वाइज, वो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा क्वांटिटी वाइज, दैट डिपेंड्स ऑन मास। हाँ, हुआ क्या? चलो देखो, मैं इनर्शिया क्यों डिपेंड करेगा? एक्सटर्नल फोर्स डिपेंड करेगा ना। आप मान ले किसी चीज का लीनियर चेंज, अभी रहने दो थोड़ा और रुक जाओ, अभी मत, मतलब इतना मत घुसो अंदर, धीरे धीरे करती जाएंगे बनाने। सेम थिंग प्रांजलि, सेम थिंग है। हाँ ईशान, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक एग्जांपल और दूं क्या? चलो छोड़ अभी तक। डन एवरीवन।
कॉन्सेप्ट पढ़ के आना ना। हाँ पूजा, एक ही बात क्यों पूछ रही बार बार, ये लिखा क्या है बार बार, वही बात क्यों पूछ रही। मास वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या जनरेशन? चलिए इधर देखिए, एक एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने भी बचपन में कभी देखा होगा। अपन एक धागे से एक एम मास की बॉडी को लगाते हैं यहाँ पर, और फिर एक और नीचे धागा लगाते हैं। ये धागे का नाम देते हैं ए, ये धागे का नाम देते हैं बी, ठीक है। और नहीं हो तो आज घर पे करके देख लो, वीडियो भी बनाना। इस धागे को पकड़ो, दो तरीके हैं। एक तरीका है झटके से खींचना, सडन जर्क, ए वाला धागा टूटेगा या बी वाला, कल टिक करके लाना। और दूसरा तरीका है धीरे धीरे पकड़ना है। मेरे हाथ को देखो सब लोग, संयम जैन अभी आंसर नहीं मांगा है बेटा, और इतनी जल्दी से सही आंसर आए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो सुनो, झटके से खींचेंगे तो ए टूटेगा या बी, ये पूछा मैंने। और देखो अब देखो, ये धागा है, मेरे हाथ को देखो वीडियो में सभी लोग, ये धागा है। इस धागे को पकड़ के मैंने धीरे धीरे खींचना चालू करा और उसको खींचता जा रहा हूँ मैं, 5, 6, 7, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। अब धीरे धीरे मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ स्टेडली, स्लोली मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ धीरे धीरे। अब कौन टूटेगा, ए टूटेगा या बी टूटेगा, ये दोनों बताना। क्वेश्चन समझ आया ना? समय दोनों आंसर सही है बेटा, वेरी गुड। क्लियर है? कल सोचना, संयम दोनों गलत है। नहीं, सही है, सही है। चलो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक कहानी समझ में। एक और टर्म है फिजिक्स में, एक और टर्म है जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है, मोमेंटम। देखो मैं एक बार बताता हूं हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, एक बार नटशेल में हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा फोर्सेस क्या होते हैं, फिर हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस पढ़ ली, फोर्स काफी आसान थे समझ में भी आ गया। फिर हमने उठाया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पहला मोशन पढ़ा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहा हमको इनर्शिया की जानकारी दी। इनर्शिया मतलब क्या, ऐसी चीज जो कि अपने प्रेजेंट स्टेट को अपोज करती है, रेजिस्टेंस है एक तरीके का। ये रेजिस्टेंस रेस्ट का भी होता है कि अगर रेस्ट में बैठे हैं तो रेस्ट में ही रहेंगे, मोशन का भी होता है कि मोशन में बैठे हैं तो मोशन ही करते रहेंगे, और डायरेक्शन का भी होता है जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में। अगर आपको इस इनर्शिया को चेंज करना है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, आई ना बात समझ। अब एक टर्म आती है फिजिक्स में जिसका नाम है मोमेंटम। क्या है मोमेंटम? हाँ, तो मोमेंटम क्या होता है, कोई मुझे समझा सकता है क्या मोमेंटम? फॉर्मूला मत बताना, अगर तुम कहोगे तो मैं भी फॉर्मूले से ही छोड़ दूंगा क्लास। पहले ही बोलता हूँ मैं, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, बस इतना बता के नेक्स्ट स्लाइड कर लूँ क्या?
तो हाँ बोल देना। हाँ प्रांशु थोड़ा सही है, थोड़ा एग्जांपल बता दो ना। देख मैं बताता हूं, एक ट्रेन है, 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और एक अपनी टेबल टेनिस की बॉल आती है ना प्लास्टिक वाली, एकदम लाइट क्वांटिटी वाली प्लास्टिक बॉल, ये भी 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब मुझे एक बात बताओ, किसको रोकना ज्यादा आसान है, किसको रोकना ज्यादा आसान है? क्यों? हाँ ऐसा क्यों? हाँ सर, बॉल को रोकना ज्यादा आसान है जबकि दोनों सेम स्पीड पे हैं। अभी तक आप हमको पढ़ा रहे थे किसी भी चीज को रोकना है, कम करना है, तो स्पीड 0 करनी है। लेकिन स्पीड 0 करने का जो मैकेनिज्म है ना, वो डिपेंड करता है किस बात पर, ट्रेन बड़ी है या छोटी नहीं है। गति ट्रेन बड़ी है छोटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज द मोर मास एंड इट इज द लेस मास। इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मास है जो कि मोशन कर रहा है, और इसमें बहुत कम क्वांटिटी का मास है जो कि मोशन कर रहा है। सो बेसिकली मोमेंटम का ये कहना था, अब रुकने की बात से पहले और पीछे चलो, तो मोमेंटम का ये कहना था, मोमेंटम डिफाइन्स द अमाउंट ऑफ मास इन मोशन, अमाउंट ऑफ मास इन मोशन, कितने अमाउंट ऑफ मास है जो कि मोशन में है, उसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ मास इन मोशन इज नोन एज मोमेंटम। और किसी भी बॉडी को बेसिकली चलती हुई किसी भी चीज को रोकना, इट मींस आप उस पूरे मास के मोशन को रोक रहे हो। एक चलती हुई किसी भी चीज को रोकना मींस, अपना दिमाग मत लगाओ और चैट पर रिप्लाई मत करो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, हाइड कर दूंगा मैं चैट, बैठे रह जाओगे पूरी क्लास में, इतने होशियार थे तुम्हें सब आ रहा होता ना। उसी बात को जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसी को हिंदी में चैट पे लिख करके क्या स्मार्टनेस बता रहे हो अपने। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तुम इससे कोई होशियार नहीं बन जाओगे, चुपचाप सुन लो, फिर बाद में इधर उधर डाउट पूछोगे, और जब बनेगा नहीं तो कहोगे कि हमें समझ नहीं आ रहा। समझने के लक्षण तो रखो, और इतनी चैट करनी है तो मत बैठो यार मेरी क्लास में, तुम्हें जिसे बोलना है बोल दो, रिकॉर्डिंग भी ऑन है दिखा देना, सर ऐसा बोलते हैं क्लास में, मतलब हाइट ऑफ इरिटेशन है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्या है। तुम सोचो, जब तुम कुछ लिख रहे हो तो मुझे वो देखना पड़ रहा है, जिस कारण से अभी मैं अगर दो चार चीजें स्किप कर दूंगा ना, तो बैठे रह जाना पूरे साथ। पूरा एक चैप्टर खत्म हो चुका है तब भी अक्कल नहीं आई, सेंस डेवलप नहीं हुआ कि क्लास में कैसे बैठना है, और ब्लेम कर देना फट से उठा करके कि कुछ समझ ही नहीं आता है। आएगा कैसे समझ में, हरकतें हैं समझने वाली या सामने वाला गर्द? तुम मेरे बैकग्राउंड में देखो, एक पंखा चल रहा है क्या? देखो फैन, देखो तुम्हें दिखाता हूँ, ये फैन मूविंग है क्या? इसकी कंडीशन देखो कैसी, कितना स्लो चल रहा है ये, लाइट नहीं होने के कारण भी मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, छोड़ देता हूँ मैं, मना कर देता हूँ नहीं लेना क्लास, उसमें भी ऐसी बेवकूफों जैसी हरकतें कर रहे हैं। थोड़ी हरकतें डेवलप करो पढ़ने वाली, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे बैच पढ़ाने, इसीलिए मैं शायद से सबसे ज्यादा चिल्लाता हूं, और मैं दिन भर प्रेस करके नहीं पढ़ा सकता कि अरे बेटा बन रहा है कि नहीं, अरे बेटा बनने वाली हरकतें तो रखो, फालतू चीजें पूछे जा रहे हो। मास को रोकना मतलब उसकी स्पीड 0 करना, ये वहां पढ़ा के आ रहा हूं मैं कि स्पीड 0 करना मतलब कोई चीज रुक गई है, नाम ले दूंगा बुरा लग जाएगा। अभी
कोई सेंस ही नहीं पढ़ने का, पूरा मोटिव ही जो अंदर से इच्छा होती है पढ़ाने की वो खत्म ही कर देते हो ऐसे सवाल पूछ के। मैं मतलब ऐसे नहीं पढ़ा सकता प्लीज, कि आप मेरे से कुछ भी उलझी उलझी चीजें पूछते रहो, मैं कहता रहा हूँ अरे बेटा अरे बेटा अरे बेटा, नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ आप सुनो, आपको डाउट आएगा फिर मैं बताऊंगा, चलती क्लास में पिंग मत करो बार बार। जब है मतलब अभी जब चार क्वेश्चन दूंगा और पूछूंगा ना मैं, तो कुछ जवाब नहीं आएगा, 6-8 बच्चे हैं जो रिप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल, तभी सब गायब हो जाते हैं। मूड स्पॉइल कर देंगे। चलिए हम लोग कहाँ पे थे, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम इज बेसिकली आपके सामने दो चीजें, एक ट्रेन भी चलकर आ रही है और एक बॉल भी चलकर आ रही है, दोनों की स्पीड भी सेम है, फर्क क्या है दोनों में, एक जगह पर बहुत हैवी मास का मूवमेंट हो रहा है, हैवी मास मूवमेंट, और यहाँ पर बहुत लाइट मास का मूवमेंट हो रहा है। हैवी मास मूवमेंट और लाइट, एक यहाँ पर बहुत लाइट मास का मूवमेंट हो रहा है, तो मोमेंटम डिफाइन हुआ था अमाउंट ऑफ मास इन मोशन। वो क्या रीजन था कि तुम ट्रेन को नहीं रोक पाए और बॉल को रोक पाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम मास चल के आ रहा था जिसको रोकना आसान था, और ऊपर वाले केस में एक बहुत हैवी मास चलकर आ रहा था जिसको रोकना कठिन था, कठिन इन द सेंस उसके लिए ज्यादा ताकत चाहिए थी, रुकती तो वो भी है। तो मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ये बता क्या रहा है, फिजिकली इट इज और इट हैज अ सिग्निफिकेंस, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज एक्सप्लेनिंग अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मास इन मोशन, कितना ज्यादा मास है जो कि मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। क्लियर हुई बात सबको, मोमेंटम सबने पढ़ा है, बट वॉट फिजिकल सिग्निफिकेंस इट कैरीज अमाउंट ऑफ मास इन मोशन, कितना ज्यादा मास है जो कि चल रहा है। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ ने क्या कहा था, न्यूटन के सेकेंड लॉ ने क्या कहा था, न्यूटन का सेकेंड लॉ बिल्कुल सिंपल है, देखो मैं सारी चीज कनेक्ट करूंगा, ध्यान से सुनना। आवाज आ रही है, बीच बीच में क्या हो जाता है, अचानक बीच में वीडियो चला गया, फिर ये ऐसी दिक्कतें और आती है लाइव क्लास में, अचानक वीडियो गायब हो जाएगा, वॉइस बंद हो जाएगी, फिर कहते हो कि सर आपसे डाउट पूछने में डर लगता है, अरे मतलब आदमी हंस के पढ़ा है तो उसके माथे चढ़ जाओ, फिर उससे कुछ भी पूछ लो, जो इंग्लिश में बोल रहा है उसका हिंदी अनुवाद चैट में पूछो और क्वेश्चन मार्क लगा रहा। चलिए तो टाइम हो गया है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आप लोग यहां तक लिख लो, मोमेंटम कुछ लिखना बाकी रह गया है क्या आप लोगों का, मेरे ख्याल तक मोमेंटम तक, मोमेंटम के पहले सब कुछ लिखा हुआ है, मोमेंटम लिख लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
हाँ बेटा मैं फर्स्ट स्क्रीन बता रहा हूँ, 2 मिनट सर आ गए, मैं होस्ट बना दूँ, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है।